जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे लोग प्रेजेंट इन द टेंस में, हम लोग कल पढ़े थे लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे लोग। अभी पूरा नहीं पढ़े थे हम लोग, सिर्फ अफर्मेटिव पढ़े थे लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव कैसे बताएं। तो अफर्मेटिव यानी वही जो जैसे हम कर बोल दिए कि मैं खाना पकाता हूँ, ठीक है, तो आई कुक फूड। अब इसमें पढ़ेंगे लोग हम लोग निगेटिव, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम लोग आज ये देखेंगे लोग कि जैसे हम एग्जांपल बोल दे, अभी अभी हम बताएं कि मैं खाना पकाता हूँ, तो ये हो गया क्या अफर्मेटिव। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आई कुक फूड। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे लोग निगेटिव सेंटेंस। तो क्या निगेटिव आ गया नकारात्मक यानी नहीं, तो क्या डायरेक्ट नहीं रख जाएगा, नॉट रख जाएगा इसमें, तो नहीं। जैसे है कि मैं खाना नहीं पकाता हूं, तो आई नॉट इट कुक फूड, ये गलत है, ठीक है, आई नॉट कुक फूड ये गलत है, ये नहीं होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब होता क्या है निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। फिर सर वही बात, अब डू या डज कंफ्यूजन, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, डू कहाँ रहेगा, डज कहाँ रहेगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, एकदम बाबू वाले तरीके से समझेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट वही ही सी इट या एनी वन पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही सी इट या कोई एक व्यक्ति, तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। और जब निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं तो आएगा ही, तो उसकी स्पेलिंग नॉट यूज करनी पड़ेगी। तो यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी डज नॉट यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट और एनी वन पर्सन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज और नॉट लगा करके डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। इतना याद हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, कि डज का यूज कहाँ होगा। एक डाउट क्लियर कि डज का यूज कहाँ होगा, सिंपल एक बार आंख बंद करके पढ़ दीजिए लोग, कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे डू, तो डू का यूज कहाँ करेंगे, तो यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो, प्लुरल यानी आई वी दे यू और मोर देन वन पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट जब बहुवचन है, बहुवचन करता आ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, ठीक है। और निगेटिव है तो नहीं आएगा, तो नॉट लगा देंगे, ठीक है, यानी डू नॉट, यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट। इतना डाउट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू नॉट, यानी कि कर्ता एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, एकदम डाउट क्लियर, डज डू का डाउट क्लियर। डू आ गया, ये भाई साहब डू आ गए, तो इनके इनको किस कैटेगरी में भेज देंगे, डू नंबर टू में, सब्जेक्ट प्लुरल बारे में, जैसे वी आ जाए, आई आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, या एक से अधिक व्यक्ति आ जाए, तो इस भाई साहब को भेज देंगे। अब ये बचे डज, तो इनको क्या करेंगे हम लोग कि इस फर्स्ट रूल में लगा देंगे, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, यानी वह आ जाए, वह लड़का लड़की दोनों के लिए, या इट आ जाए, या एनी वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो, तो हम लोग डज वाले भाई साहब का यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना तो सीख गए हम लोग कि डू या डज का यूज क्या करेंगे, अब बनाएंगे कैसे, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ओह नो, स्ट्रक्चर तो दिखे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता क्या है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एडजस्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर होगा क्या इसमें। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो डू है या
डज है, ऑब्जेक्ट देके लिख देंगे, ठीक है। डू देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया, डू हो गया या डज हो गया, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। किसके अकॉर्डिंग, दूर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो डज, सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो डू, और नॉट तो दोनों के साथ है तो इसलिए अरग से नॉट लगा दे रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज ऐसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या ई एस वाला गेम खत्म, वो गेम इसी में हम लोग खेल दे रहे हैं, ठीक है। यस या ई एस वाला यहाँ पे ये गेम खत्म हो गया, यस या ई एस वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वही हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, डब्ल्यू ओ ओ डब्ल्यू के मतलब हो गया अदर वर्ड, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड आएगा तो वो भी लगा देंगे, ठीक है। डू या डज में से समझ में आ गया है कहाँ यूज होगा, एक बार फिर देख रहे लोग, देखिए सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा, बहुवचन करता, तुम, हम, आप, ठीक है, मैं, वे लोग, वे, मोहन और सोहन, सीता गीता, मतलब एक से अधिक लोग आ जाए तो इस डू वाले भाई साहब को धक्का दे देंगे, ढकेर देंगे, जाइए आप उसी में, ठीक है। अगर सिंगुलर रहेगा वो आ जाए, ही सी इट, ठीक है, ही सी आ जाए, या कोई एक व्यक्ति आ जाए, मोहन या सोहन में से कोई एक ही आए, सीता गीता में से कोई एक आए, ठीक है, तो कहेंगे डज वाले भाई साहब आप इधर आइए, आपका नंबर इधर आ गया, ठीक है, डज का यूज कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ट्रांसलेट करते हैं, तो वही ट्रांसलेट का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले टेंस पहचानिए आप, तो मोहन प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि कौन सा टेंस है ये, कैसे पहचानेंगे, तो ता है, ती है, वही पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि ता है, ती है, यानी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आ जाए तो उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहां से डाउट क्लियर, ता है आ रहा है ना, ये क्रिया उपस्थित रहना क्रिया हो गया, ठीक है, और उसमें ता है आ गया, क्रिया में ही ता रहा है, ठीक है, ये नहीं कि उपस्थित रह गया, ये उपस्थित रहना मिल के क्रिया बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, ता है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब इसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे, जब ये पहचानेंगे तो तुरंत स्ट्रक्चर आ जाएगा, और बीच में नहीं आ गया, मोहन प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहता है, तो नहीं आ गया नकारात्मक भाव, तो तुरंत निगेटिव पे, और जब निगेटिव पे चला गया ध्यान तो निगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं दो चीज पहचान गए हम लोग, दो पड़ाव को पार कर रही है हम लोग, कि सेंटेंस टेंस पहचानना और सेंटेंस पहचानना, टेंस पहचान लिए कि इंडिफिनिट टेंस है, सेंटेंस पहचान लिए कि निगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो बात हो रहा है मोहन के बारे में, कर्ता कौन है इसमें, मोहन है, कौन उपस्थित नहीं रह रहा है विद्यालय में, तो मोहन नहीं रह रहा है, ठीक है, तो मोहन के बारे में बात हो रही है, कर्ता मोहन है, तो मोहन सब्जेक्ट है, मोहन ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पता चल गया ना कि मोहन सब्जेक्ट है। अब मोहन सब्जेक्ट पता चल गया तो हमको स्ट्रक्चर भी तो याद है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, तो तुरंत सोचिए नहीं, मोहन का स्पेलिंग लिख दीजिए, मोहन, अब देखिए क्या है, डू या डज, तो मोहन एक है कि एक से ज्यादा है, तो एक है, जब मोहन एक है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का, किसका यूज, डज का, ठीक है। अभी अभी ऊपर रूल नंबर वन में पढ़े हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा एक वचन कर्ता के साथ, हम लोग डज का यूज करेंगे, तो डज का यूज तो हो गया। अब नॉट तो दोनों के साथ रहेगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, तो मोहन डज नॉट क्या हो जाएगा। फिर अब वर्ब दिखेंगे हम लोग, वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, उपस्थित रहना, प्रेजेंट लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मोहन डज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, एवरी डे या डेली भी लिख सकते हैं, मोहन डज नॉट प्रेजेंट
स्कूल वो क्या है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रहता है, विद्यालय में तो मोहन डज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, ठीक है, मोहन डज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, ठीक है, डेरी, ठीक है, मोहन डज नॉट प्रेजेंट स्कूल इन डेरी, फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये अदर वर्ड में आ जाएगा, और ये ठीक है। अब देखिए आगे आगे है, यहाँ पे वाक्य दूसरा है सेंटेंस कि छात्र अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करते हैं, तो इसमें वही काम पूरा करना क्रिया, इसमें ता है, ती है, ते है, जब ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिए तो वाक्य कैसा है, सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस में नहीं आ गया नकारात्मक, निगेटिव, जब निगेटिव सेंटेंस आ गया तो स्ट्रक्चर माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये भी हम लोग पहचान लिए। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट छात्र, छात्र एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ने पे पता चलेगा, छात्र अपना गृह का समय पे पूरा नहीं करते हैं, तो एक के बारे में बात तो हो नहीं रही है, एक से ज्यादा करता है रहता तो क्या करते हैं, एक वचन सिंगुलर हो जाता है या प्लुरल होगा, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो यहां डू या डज में से किसका यूज करेंगे, तो डू का यूज करेंगे, तो सब तो क्या कर लिख देंगे यहां पे, डू फिर नॉट यानी स्टूडेंट डू नॉट पूरा करना, कंप्लीट कंप्लीट स्टूडेंट डू नॉट कंप्लीट, अब ही जो होमवर्क हुआ कि डियर होमवर्क, तो यहां पे डियर हो जाएगा, ठीक है, डियर क्या हो जाएगा यहां पे, डियर स्टूडेंट डू नॉट कंप्लीट डियर होमवर्क ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, ऑन टाइम, ठीक है, स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट दियर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, शुभम ठंड में, शुभम ठंड के दिनों में स्नान नहीं करता है, ठीक है, तो अब देखिए यहां पे वही काम, क्रिया पा टेंस पहचानना, टेंस पहचान लिए ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के अंत में ता है ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, तुरंत स्ट्रक्चर, ये बार बार स्ट्रक्चर बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपके माइंड में पढ़ने से ज्यादा सुनने में समझ में आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं एक बार तुरंत माइंड सेटअप, एक बार सुनो बाद में खाली बैठे ऑटोमेटिक वो चीज आदमी वो बोलता है, ठीक है, और वही चीज जब बार बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जाएगा तो वो ये टेंस का स्ट्रक्चर, तो वही बार बार फिर आपके माइंड में आएगा, तो सुनने से कोई चीज बार बार तुरंत क्या हो जाता है, माइंड में वो रेगुलर रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुभम ठंड के दिनों में स्नान नहीं करता है, तो शुभम सब्जेक्ट क्रिया टेंस भी पहचान गए, सेंटेंस भी पहचान गए निगेटिव है, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, शुभम के बारे में, कौन नहीं नहाता है, शुभम नहीं नहाता है, तो शुभम, तो शुभम अब क्या हो जाएगा, शुभम एक वचन है कि बहुवचन है, शुभम तो बहुवचन है, बहुवचन है कि एक वचन है, शुभम, शुभम क्या है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुभम डज नॉट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, तो शुभम डज नॉट, अब क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो नहाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाथ, ठीक है, शुभम डज नॉट बाथ, क्या हो जाएगा, शुभम ठंड के दिनों में स्नान नहीं करता है, तो शुभम डज नॉट बाथ इन विंटर डे, क्या हो जाएगा, इन विंटर डे, तुरंत लिखेंगे या इन द विंटर डे लिख देते हैं, ठीक है, या इन विंटर डे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन विंटर डे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, अब थोड़ा छोटा छोटा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ठंड के दिनों में है तो डेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मैं चाय नहीं पीता हूं,
मैं चाय नहीं पीता हूं। अब देखिए यहां पे, मैं चाय नहीं पीता हूं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था, अब यहां छोटा देखते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूं, तो इसमें यही आ गया ता, क्रिया के अंत में ता है, ती है आ गया। तो अब देखिए यहां पे, मैं चाय नहीं पीता हूं, यानी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेंटेंस कैसा है, तो निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे, दो चीज पहचान लीजिए, टेंस और सेंटेंस। अब देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में, तो मैं, यानी क्या हो जाएगा आई। अब आई के साथ डू का यूज होगा कि डज का यूज होगा, आई को प्लुरल के कैटेगरी में रखा गया है, तो इसके साथ डू का यूज होगा, आई डू, फिर नॉट, आई डू नॉट टेक टी, चाय पीते नहीं है चाय लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, टेक टी, ठीक है। अब देखते हैं, सभी लड़कियां भोजन नहीं बनाती हैं, तो यहां पे देखिए क्रिया के अंत में ती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, तो सभी लड़कियां, यानी और गर्ल्स, और गर्ल्स क्या हो जाएगा यहां पे, और गर्ल्स क्या हो जाएगा, और गर्ल्स यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहां क्या हो जाएगा, और गर्ल्स डू नॉट, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट प्लुरल है, यहां पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, आर गर्ल्स डू नॉट कुक फूड। सही बात है, गलत नहीं है, जो भी वाक्य है ये सही है। क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा यहां पे, आर गर्ल्स डू नॉट कुक फूड, सारी लड़कियां भोजन नहीं बनाती है, ये 100% सत्य वाक्य है, ठीक है। अब देखिए आगे, वह कार नहीं, मतलब सभी के सेंस में बोला जाए तो 99% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कई लड़कियां गुस्सा हो जाएंगे, सब अब आगे देखते हैं। वह कार नहीं चलाता है, ठीक है, कार चलाना। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, ही के साथ डू नॉट की डज नॉट, तो डज नॉट, ही डज नॉट कार चलाना का राइड होगा कि ड्राइव होगा, तो यहां ड्राइव होगा, ठीक है, ठीक है। ये रहा हमारा सिर्फ निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर देखते हैं हम लोग, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा, ठीक है, बात आ रही समझ में। यदि सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो डू का यूज होगा। और एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं लोग, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये रहा आज का ये वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जो कुछ भी आपको दिक्कत होता हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।